everyone, wish you all Merry Christmas. Welcome to my channel Fashion and Finery by Reed. Hope you all are doing fit and fine. Just मैंने मेरा exercise ख़त्म किया है. ज़बरदस्त वाली भूख लगी है मुझे क्योंकि मैं आजकल intense workout कर रही हूँ. काफ़ी मैंने weight reduce किया है. दिवाली के बाद जो weight बढ़ गया था वो काफ़ी reduce कर लिया है. और अभी ना मेरे सामने ना रखा है चॉकलेट मफिन्स विच आर रियली माई फेवरेट. सो ये मैं कल लेके आई थी, मतलब क्रिसमस डे कल था. आज ही 26 दिसंबर है और आप लोगों ने आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया. मेरे हिस्से का भी सेलिब्रेट किया क्योंकि मैं नहीं सेलिब्रेट कर पाई थी. मैं कल बहुत बिजी थी और शाम को थका हरा जब मैं घर आई एक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी. मैं सो गई, इतना जल्दी सो गई, 9:30 बजे तक मैं सो गई थी. और डायरेक्ट आज यानी कि 26 दिसंबर है आज, आज मैं सुबह डायरेक्ट उठी हूँ. और अब लगी है मुझे बहुत भूख क्योंकि मैंने बहुत एक्सरसाइज किया है. और क्रिसमस डे तो कल ही गया है, सो केक खाने का मौका भी है, दस्तूर भी है, केक भी है और केक के सामने ये भुक्कड़ भी है. सो केक तो मैं खाऊंगी ऑब्वियसली, लेकिन उसके पहले ना एक आलू चाट बहुत यम्मी टेम्पटिंग गार्लिक बेबी पोटैटो चाट का रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ में, जो कि मैंने ममता की रसोई जो चैनल का मेंशन मैंने पहले भी किया था, बहुत अच्छा अच्छा रेसिपीज ममता जी शेयर करती है, उनसे सीखा है. लेकिन थोड़ा सा मैंने अपना ट्विस्ट इसमें ऐड किया है. सो ट्विस्ट क्या क्या ऐड किया है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी. उसके लिए किचन में जाना होगा, चलता है पहले किचन में. ये बॉयल पोटैटोज़ है, पोटैटोज़ को पील करके अच्छे से पहले से बॉयल करके रखा हुआ है. 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, तीनों चीज़ों को एक साथ में मिला के हल्का सा रोस्ट करने के बाद उसको मिक्सर में डाल के पाउडर बना लिया जाएगा. थोड़ा रोस्ट करने से पाउडर अच्छा बनता है, इसके लिए रोस्ट कर लिया. पाउडर बनाने से पहले ममता जी जो है इसमें रेड चिली मिक्स किया था पाउडर में, लेकिन मैं सेहत का ध्यान रखते हुए रेड चिली को हटा के मैंने ग्रीन चिली को अलग से इस तरह पीस लिया है. अब जो है टोटल इन्ग्रीडियंट मैं शेयर कर रही हूँ. चॉप्ड गार्लिक, ये है ग्रीन चिली पिसा हुआ, हरा धनिया चॉप्ड, और ये है मसाले का पाउडर जो हमने अभी बनाया, और यह है लाइम जूस. ममता जी ने इमली की चटनी डाला था लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नींबू ऐड किया. और अब कढ़ाई को गरम करके इसमें तेल डाल के तेल को गरम होने देना है. उसके बाद पोटैटोज़ जो है उसमें हल्का सा सौंठे कर लेना है तेल में, बहुत आराम से स्टार करना है ताकि पोटैटोज़ जो है टूट ना जाए. और उसके बाद एक बोल में ट्रांसफ़र करके उसको साइड में रख देना है. अभी उसी तेल के अंदर चॉप्ड गार्लिक और जो मसाला हमने पाउडर बनाया था वो मसाला, उसके बाद ग्रीन चिली का पेस्ट सारा डालने के बाद में पोटैटोज़ उसमें ऐड कर देना है. और अब इसमें ऐड करना है नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट. अब सारे मसालों के साथ में अच्छा सा स्टार करते हुए मिक्स कर लेना है पोटैटोज़ को. उसके बाद थोड़ी देर 2 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है. अब इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला. चाट मसाले को मिक्स कर लिया. चाट मसाले के बाद इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर. इसको भी मैंने अच्छा सा मिक्स दिया. अच्छे से स्टार करते हुए मिक्स करने के बाद में अब इसमें ऐड करूँगी लाइम जूस. 2 टेबल स्पून लाइम जूस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ. आप चाहो तो इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं. और फिर फाइनली इसमें ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया ऐड करके अब बस फाइनल लुक है. ये लग रहा है ना बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग.
बन गई है गार्लिक बेबी पोटैटो चाट और अब बारी है देखने की कि कैसी बनी है। जब तक आप खुद नहीं ट्राई करेंगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा इतनी डिलीशियस बनी है चाट। वेरी यम्मी, वेरी टेम्पटिंग। मतलब एक खाने के बाद दूसरा, दूसरा खाने के बाद तीसरा, इस तरह सारे आलू मैं शायद खुद ही अकेले ख़त्म कर जाऊँ, इतनी डिलीशियस बनी है। शाम का टाइम है, सूरज डूब रहा है और मुझे ना नेचर देखना, नेचर यूनिवर्स ये सब देखते रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं देख रही थी, सोचा आपके साथ में थोड़ा सा एक फुटेज शेयर करूं और इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शेयर करने वाली हूं। ये देखिए, देखिए, देखा स्पेस रॉकेट सडनली मुझे दिख गया, सूरज तो डूब गया, उसके बाद दिख रहा है कि ये स्पेस रॉकेट जा रहा है ना, इंटरेस्टिंग चीज़। और ये मूव भी हो रहा है, देखिए ये, मतलब वो जो जा रहा है ना उसका मूवमेंट पता चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, वो जो मूव हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है वो पता चल रहा है। मुझे ना यूनिवर्स, बचपन से ही यूनिवर्स की ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में जानना, देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आसमान की तरफ देख ही रही थी, सडनली मुझे दिख गया कि स्पेस रॉकेट जा रहा है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये कैप्चर करना है और मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर के साथ। देखिए देखिए, ऊपर की तरफ जा रहा है, कैमरे से बाहर निकल रहा है। और मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी जब तक हो सकेगा तब तक उसका पीछा करते हुए बस पीछा ही करूँगी। कहाँ जाओगे मेरी नज़रों से बचकर, कहाँ जाओगे? मैं तो तुम्हारा जब तक मेरा बस चले तब तक पीछा करूँगी। ले फिर निकल के जा रहा है ऊपर, काश मुझे भी अपने साथ लेके जाता। गया, अब मेरे बस में नहीं। कितनी बढ़िया चीज़ दिखाया मैंने आप लोगों को, यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें देखना बड़ा अच्छा लगता है। थोड़े दिन पहले आप लोगों को पता है जुपिटर और सैटर्न दोनों पास पास में आया था, न्यूज़ में भी दिखाया था, आप लोगों को पता ही होगा कि गुरु और शनि दोनों 400 साल के बाद पास पास आए। तो मेरी मासी और मम्मी दोनों फ़ोन पर ये बात कर रहे थे, तो मासी ने बोला कि शनि जो है ना सैटर्न, उसको पूरा सन को एक बार टोटल रिवॉल्व करने में 29 साल लगता है, 29 ईयर्स। तो मम्मी ने बोला इतना ज़्यादा साल लेता है तो इसलिए लेता है क्योंकि शनि को है ना पृथ्वी के लोगों के पीछे पड़ना होता है, कभी इसको शनि का दशा, कभी उसको शनि का दशा, कभी इसको प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम, हर किसी को शनि का दशा लगा रहता है। तो शनि को पृथ्वी के लोगों के पीछे पड़ते पड़ते उसकी जो चाल है वो धीमी हो जाती है, इसके लिए वो इतना ज़्यादा साल ले लेता है सूरज को रिवॉल्व करने में। मतलब ऐसे ऐसे जोक मारती है ना कभी कभी, जिसका कोई हद नहीं। मैं तो गिर पड़ के हंसी है सुनने के बाद में। एनीवेज चलिए, ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ मैं। सूरज भाई साहब ने भी टाटा बाय बाय बोल दिया, मैं भी आप लोग को टाटा बाय बाय बोलती हूँ। आप लोग ध्यान रखिए अपना, लव यू ऑल।